ईदगाह का प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है इसमें लेखक ने एक छोटे से बालक के द्वारा भावों में जीवन जीने की कला का वर्णन किया है हमारे इस प्रसंग के किरदार हैं हामिद अमीना दादी दुकानदार हामिद के दोस्त महमूद मोहसिन और नूर कथावाचक रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आई है कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभाव है ये। आज का सूरज देखो कितना सुंदर कितना शीतल है यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है, है और ईद का जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। लड़के सबसे तो ज्यादा प्रसन्न किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं रखा लेकिन का जाने की वजह इनके की है रोजे होंगे बड़े बूढ़ों के लिए इनके लिए तो ईद है सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद वह चार पाँच साल का गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बा जान उसके लिए ढेर सारे रुपए कमाने के लिए गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए इसलिए हामिद प्रसन्न है आशा भी कोई चीज़ होती है और फिर बच्चों की आशा हामिद के पाँव में जूते नहीं थे सर पर पुरानी दुरानी टोपी जिसका गोटा काला है परंतु फिर भी हामिद प्रसन्न है अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है आज ईद है और उसके घर में दाना नहीं अगर आज शाबद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती किसने बुलाया था इस ईद को इस घर में उसका कोई काम नहीं लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा गांव के सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं मैं उसे अकेले मेले में कैसे जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो गया तो क्या होगा तीन कोस चलेगा कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे जूते भी नहीं है मैं उसके साथ चली गई तो यहाँ सिवैया कौन पकाएगा अगर थोड़े पैसे होते तो आते आते सामग्री जमा करके चटपट बना लेती पर यहाँ तो चीजें जमा करने में ही घंटों लग जाएंगे चिंता मत करो दादी मैं सबसे पहले आऊंगा गाँव में मेला लगा है हामिद भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया है। नमाज खत्म हो गई लोग आपस में मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होगा महमूद देखो कितना बड़ा झूला है चलो वहां चलते हैं। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ हामिद तू भी चलना ना बाबा ना मैं इस झूले के लिए अपने पैसे नहीं खर्चूंगा कुछ चक्कर लो और पैसे पानी में झूला झूलने के बाद सभी दोस्त खिलौनों की दुकान पर जाते हैं मोहसिन लेता है धोबिन महमूद लेता है सिपाही और नूर लेता है वकील पर हामिद कुछ भी नहीं लेता अब सभी दोस्त मिठाई की दुकान पर जाते हैं ये गुलाब जामुन कितने अच्छे दिख रहे हैं मिठाइयों की तो किताबों में बहुत बुराइयां लिखी हैं पेट दर्द हो जाता है वैसे भी मेरे पास सिर्फ तीन ही पैसे हैं मैं कुछ छोड़ लूंगा मैं इसकी सारी चलाकी समझता हूँ जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब हमें ललचा के खाएगा मिठाइयों की दुकान के बाद आगे कुछ दुकानें लोहे की गिल्लट और कुछ नकली गहनों की थी लड़कों के लिए वहां पर कोई आकर्षण न था इसलिए वह सब आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हमें वहां रुक जाता है वहां पर कई सारे चिमटे पड़े हुए थे तभी हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है तो वैसे रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है अगर मैं उन्हें ये ला के दे दूं तो वो प्रसन्न हो जाएंगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी यह चिमटा कितने का है तुम्हारे काम का नहीं है जी छ पैसे लगेंगे ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो तीन पैसे लोगे यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया फिर दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे ही दिया हामिद ने उस चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रखा मानो कोई बंदूक हो फिर वह अकड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया ये चिमटा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा तो यह चिमटा कोई खिलौना है खिलौना क्यों नहीं है कंधे पर रखा बंदूक हो गई हाथ में पकड़ा तो फकीरों का चिमटा एक चिमटा जमा दूं, तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए थोड़ी देर में सबके खिलौने टूट जाते हैं अमीना दादी बेचैन बैठी है, है। न जाने मेरा हामिद किस हाल में होगा बेचारे के पास तीन ही पैसे थे अमीना दादी मेरी प्यारी अमीना दादी ये चिमटा कहाँ से आया इसके मैंने तीन पैसे दिए हैं। ये कैसा बेसमझ लड़का है दोपहर हुई नहीं कुछ खाया ना पिया लाया क्या चिमटा मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये ये लोहे का चिमटा चिमटा ले आया उंगलियां तो वैसे जल जाती थी इसलिए मैंने ये लिया अमीना दादी इस बात पर भावुक हो जाती है और रोने लगती है दूसरों को मिठाई लेते देख क्या तेरा मन नहीं लड़ जाया होगा इतनी सहन शक्ति आई कैसे इस बुढ़िया दादी का इतना ख्याल इस कहानी से हमें त्याग और दूसरों के प्रति प्रेम की सीख मिलती है हम यह भी सीखते हैं कि जटिल से जटिल परिस्थिति में भी हमें प्रसन्न होकर उसका सामना कर उसे पार करना चाहिए इंसानों में यह गुण बहुत कम देखने को मिलते हैं मगर हामिद ने हम सभी को यह सिखाया है कि हमें अपना स्वाद भूलकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए धन्यवाद